जान नहीं बचतौ तो हमके मारो बहलाम तो हमके
बेटा बताऊ बेटा सलमान मलखान मेरा इंतकाम आसान हुआ, लेकिन बीच में एक हाथ लाकर जज्बेला भागना शुरू किया, सिक्के भागा और चोट से हम लोग को भागना पड़ा। जब तक हाथ को नहीं पछाड़ता है हाथ तक तक हम लोग गोल वाली नहीं होगा। इसमें कौन ऐसा फिर है जो हाथ को पछाड़ेगा? ठीक है, आप लोग करिए राजा से, आप लोग करिएगा, हाथ को मैं पछाड़ता हूँ, जीत निश्चित है। चलो चलो Yeah.
काम किया जाए। सुनो बहादुर, इसे 80 हाथ तहारा खत कर करके और 80 मन के चट्टान इसको सीने पर धर देना है, ताकि कलट कलट के प्राण जाएगा तब बाप का याद आएगा किसी से पन्ना लाया है जे ठीक है ना। चलिए गधा भूसा के खाने वाला नहीं कह रहे, इतना मार मारेंगे ना। चलो चलो ना, दुश्मन का नहीं, मैं दुश्मन को मैं देखने के लिए नहीं चाहता हूँ। और क्या रे, मेरा कायर को तुम हाथ लगाने का कह रहे, अरे और बवाल कर रखने पड़ेगा क्या रे। मैं तो तुमको प्रति मैं भरोसा करता हूँ, कैसा पीर हो तुम टांग कर देता है लो। चलो इस समय सहन शक्ति किसी को मैं बोलूंगा। चलो कहां चला गया तुम लोग? अच्छा दस रहे देवा वाल खान रुदल कहां है? नहीं है। अरे जब घमासान युद्ध चल रहा था तो हाथी को मैं पछाड़ कर देखा हूँ, सबको हम लोग फिर धुआं जैसा हो गया तो कुछ पता नहीं चला, पूरा घेरा हो गया चला से, हम लोग को कोई पता नहीं चला, हम लोग तो भाग चले वहां से। क्या रुदल नहीं रहा है? नहीं है। इसका मतलब, इसका मतलब लगता है उनको कई अपना जाने दुश्मन कर लेता है, उसको कैद कर लिया है कि जान मार दिया है। चचा से बेटा देवा कैद हो गया कि मारा गया, हम लोग को पता नहीं चला। सुने क्या देवा समाचार मां तेरे जाने के रुदल कैद हो गया कि मारा गया प्राण नहीं रहे।
तो माँ दिया बता देगा बेटा देवा ने नलाल सदार ना था लेकिन लौट कर तो माँ के पास चल रही है। हाँ लौट कर तो माँ के पास चल कैसे बात को बताना। चलो चलना होगा चाहे जो कुछ हो तो चलना ही है। चलना होगा धीरज धर के चलना होगा। लड़ाई तो फायदा भयानक पक्का
बस एक हाथ ही नहीं, इतना गंदेला भाजा कि उसको मार से हमारा फौज तितर बितर हो गया भारत। फिर हम लोगों ने बताया कि हाथी को पछाड़ना है, उसके बाद लाई विजित हो वास्तव में बेदरगल ने कहा कि हाथी को मैं पछाड़ूंगा, हम लोगों ने कहा कि फौज को मारूंगा। वास्तव में बेदरगल ने हाथी से भिड़ गया, हम लोग अपनी आंखों से देख रहा था कि रुदल हाथी से भिड़ गया लड़ रहा, हम लोग फौज में लड़ रहा था, लेकिन लगा कि ऐसा धुआं उठ गया फौज में, पता नहीं चलेगा चला के कौन कहा लोग भाग चले। नाजरा ने दुश्मन कड़ी नाराई भाई रुदल को लगता है कैद कर दिया कि जान मार दिया, बोले हम लोग को पता नहीं चला।
इस वक्त में मैं जाती हूँ खरी बन जंगल में, गुरु अमरनाथ से मैं जाके पता करूँ कि मेरा बेटा जीवित है या मर गया। जो दुख में हिम्मत करता है, फिर धारण करता है, उसी को भी भगवान पार लगाते हैं। हिम्मत धार कर छाती को पत्थर करके आप गुरु अमरनाथ के पास जाइए, बेटा लोग के बारे में पता लग गया, बस पता बताएंगे। ठीक है देवर जी, मैं इस वक्त भी नहीं जा रही हूँ खरी बन जंगल में। आपका सभी पुत्र मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है देवर जी। ठीक है, चल जाओ।